तो गाइस आप लोग देख सकते हो YBY फंड में KYC का जो अपडेट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस आप लोग जैसे ही यहाँ पर ओपन करने जाएंगे YBY ऐप को, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा KYC वेरिफिकेशन। तो यहाँ तक तो ठीक है। तो देखिए सुबह सुबह ये अपडेट आ चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अगर आप KYC वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो उससे पहले आप लोग विड्रॉ नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या मसला है। तो यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले मेन पॉइंट मैं आप लोग बता दूँ, KYC वेरिफिकेशन करने के लिए अपडेट लेकर आया है वो बिल्कुल सही है, KYC तो वेरिफिकेशन करना ही होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर देखिए उन लोगों का यहाँ पर जो 6000 फिर से पे करना पड़ेगा, ये सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगा। किसी को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि देखिए KYC वेरिफिकेशन करने के लिए रिसर्च करना ज़रूरी है, ये कहाँ से आया है। तो देखिए उन लोगों का फिर से ये एक सिस्टम है रिसर्च कराने के लिए सभी यूज़र से, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। किसी को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वैसे ही विड्रॉल नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर फिर से 6000 रिसर्च करना पड़ेगा। क्या पता वो विड्रॉल नहीं दे तो कैसे यहाँ पर भरोसा होगा कि 6000 यहाँ पर पे करने के बाद आपको विड्रॉल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट जो कि है मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या है। एक नंबर पॉइंट पे यहाँ पर लिखा है कि आपको KYC वेरीफिकेशन करने के लिए आपको 6000 पे करना पड़ेगा, उससे पहले आप लोगों को KYC वेरीफिकेशन नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए दो नंबर पर लिखा है कि आपका जो KYC वेरिफिकेशन टाइम है वो 9 अगस्त लेके 11 अगस्त तक, उसके अंदर आपको KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद तीन नंबर पे यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या करेगा जो YBY ऐप टीम है वो क्या करेगा, आपका जो भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर फेस करेगा बैंक के साथ। उसके बाद क्या होगा, आपका जो भी क्रेडिट है वो बैंक के साथ फ्रोजन हो सकता है, मतलब इफेक्टेड हो सकता है, ये बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर चार नंबर पे लिखा है कि देखिए अगर आप KYC ओवरडू करते हैं यानी कि KYC नहीं करते हैं तो आपको बैंक के साथ आपको अगर विड्रॉ लगाते हैं तो आपको 10% टैक्सेस यहाँ पर देना पड़ेगा नॉर्मली, ये बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर पाँच नंबर पे बोल रहा है कि आपको जो भी KYC कंप्लीट हो वो करना पड़ेगा, यानी कि वो बोल रहा है। उसके बाद छः नंबर पे यहाँ पर लिखा है कि देखिए अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करते हैं 12 अगस्त से पहले तो आपका वॉलेट का जो बैलेंस है वो फ्रोजन कर देगा, यानी कि वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो फ्रोजन हो जाएगा, ये क्या मतलब है। तो आप KYC वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो कि फ्रोजन हो जाएगा, यानी कि वो बंद कर देगा, यानी कि वो आप वॉलेट यूज़ नहीं कर पाएंगे, बैलेंस यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये तो ज़रा सर गलत है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद चलिए मैं सेवन नंबर पे बात करता हूँ। तो देखिए आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताऊँगा और आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपका पैसा बहुत पैसा जो कि वॉलेट में लगा हुआ है विड्रॉल नहीं मिल रहा है। तो चलिए सेवन नंबर पे यहाँ पर लिखा है कि देखिए सेवन नंबर पे एक जो पॉइंट लिखा है उन लोगों का, ये यूज़र को डराने का मतलब है। तो देखिए अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको आपका जो भी फ़ोन नंबर और बैंक इन्फॉर्मेशन वो क्या करेगा, पब्लिश करेगा, ये तो ज़रा सर गलत है। सभी यूज़र को ये डराने का मतलब है ताकि आप लोग KYC कंप्लीट करके यहाँ पर जो 6000 वो आप लोगों को रिचार्ज करना है। देखिए अगर वो लोग विड्रॉ देंगे यानी कि ऐप्स को चलाएंगे तो आप यूज़र को तो इतना नहीं डराना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद गाइस आठ नंबर पे यहाँ पर लिखा है कि यूज़र्स हो हैव कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन विल विड्रॉ मनी नॉर्मली ऑन अगस्त 12 विथ ए मैक्सिमम। तो अगर जो भी KYC कंप्लीट करेगा वो 12 अगस्त के बाद से वो क्या कर पाएगा, मैक्सिमम विड्रॉल कर पाएंगे, लेकिन ये कितना तक सच है तो किसी को पता नहीं है ना, कि विड्रॉल देगा या नहीं किसी को तो पता नहीं है। यह पर यूज़र्स को डरा के वो यहाँ पर रिसर्च करा रहा है, तो वो क्यों विड्रॉल देगा, मतलब ये तो सवाल उठता ही है ना। तो उसके बाद यहाँ पर नौ नंबर पर लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर बोल रहा है कि आप जो भी केवाईसी करेंगे, केवाईसी जो भी डिपॉजिट होगा वो विड्रॉ होगा 15 डेज के अंदर, यानी कि 15 दिन के अंदर आपका जो भी केवाईसी का पैसा है वो विड्रॉल होगा, यानी कि डिपॉजिट पैसा विड्रॉल होगा और कंप्लीटिंग द सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद। देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के बाद क्या सिस्टम आता है वो किसी को नहीं पता है। तो ये जो वेरिफिकेशन सिस्टम है, केवाईसी करना तो वो नॉर्मली है, केवाईसी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो उन लोगों का धमका के जो केवाईसी करा रहे हैं, यानी कि डरा के जो केवाईसी करा रहे हैं और 6,000 जो पे करना पड़ रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसा तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो देखिए अभी मैं आप लोग बताता हूँ, उन लोगों का जो भी सिस्टम है यहाँ पर बहुत ही गलत है। यहाँ पर विड्रॉल इस वैसे भी नहीं दे रहा है, यहाँ पर केवाईसी कर रहा है, फिर भी यहाँ पर सभी से रिसर्च कर रहा है। देखिए इस फंड के अंदर कितना यूज़र्स है, सभी यूज़र्स अगर 6,000 करके पे करता है तो क्या मसला होगा, आप लोग सोच के देख लिए। यहाँ पर 6,000 से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। गाइस इससे पहले मैं आपको और एक ऐप दिखाना चाहूँगा, देखिए Bxin ऐप से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस है, ये बिल्कुल न्यू है और ये विड्रॉ भी दे रहा है, तो आप लोग को इसमें काम जरूर करना चाहिए। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, तो चलिए इसका विड्रॉल प्रूफ मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद विड्रॉल रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो यहाँ पर विड्रॉल रिकॉर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पर विड्रॉल सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए 300 रुपया मैंने यहाँ पर विड्रॉल लगाया और कब लगाया आप लोग देख सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पर आधा घंटे के अंदर ये जो विड्रॉल है सक्सेसफुली बैंक अकाउंट में आ चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट ऊपर देख सकते हैं बैंक अकाउंट का, यहाँ पर उन लोगों का प्रोसेसिंग फीस है वो काट के कितना मिला है मुझे, तो इस तरह का है आप लोग देख सकते हैं। ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, और इसके बारे में ऑलरेडी चैनल पर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर रजिस्टर कैसे करें, रिचार्ज वगैरह कैसे करें, बिल्कुल आसान है, ये 600 से आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को YBY जो KYC सिस्टम है इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा, आप लोग अभी KYC कंप्लीट मत कीजिए। आज कितना तारीख है, 9 तारीख है, आप लोग रुक जाइए। अभी आप लोगों को KYC कंप्लीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग KYC कंप्लीट करने जाएंगे तो 6,000 आपको ज़रूर पे करना पड़ेगा। तो इन लोगों का सिस्टम है। और यहाँ पर देखिए 7 नंबर पर यहाँ पर क्या लिखा था उन लोगों का, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो KYC अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे वो क्या करेगा, आपका फ़ोन नंबर और बैंक इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, पब्लिश कर देगा। ये तो धमका रहा है सभी को, ताकि सभी लोग डर के यहाँ पर रिसर्च करें, KYC कंप्लीट करें। तो ये तो सिस्टम, यानी कि वो पता नहीं क्या कर रहा है, सब कुछ गलत ही हो रहा है यहाँ पर अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोगों को KYC कंप्लीट नहीं करना है, मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को, मैं दिखाने के लिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर KYC कंप्लीट करूँगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं यहाँ पर KYC कंप्लीट करके आगे का प्रोसेस बता दूँ, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन में क्या हो रहा है। तो आपको यही जानकारी दिया कि आप लोगों को कमेंट करके बताना कि यहाँ पर मैं रिचार्ज करूँ या नहीं। तो बाकी यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, KYC कंप्लीट का ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, तो यही जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं किस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।